हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखिए दोस्तों, आज हम अजमेर के चौहान वंश के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपको सीधी सटा जो बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। कोई भी इधर उधर की बातें आपको नहीं बताएंगे। जो ये चीज़ें हैं आपकी, अजमेर चौहान वंश है उसमें ये जितना भी डिस्कशन किया गया है, इससे बाहर आई होप कुछ भी नहीं आए, क्योंकि इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, पृथ्वीराज रासो उसकी एक किसकी रचना है, चंद्रबरदाई की रचना है। तो इसमें एक था सिसाणा अभिलेख। इस अभिलेख के अनुसार इस ग्रंथ में एक सिद्धांत देखने को मिलता है अग्निकुंड का। तो इस अग्निकुंड के अभिलेख में ऐसा बताया गया कि ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ करवाया था जिसमें चार वंशों की उत्पत्ति हुई थी। कितने वंशों की? चार वंशों की उत्पत्ति हुई थी, और उसमें प्रतिहार वंश, परमार, चालुक्य और चौहान, ये चार वंश निकल के आए थे। और ये चौहान जो वंश है उनकी जानकारी पृथ्वीराज रासो में मिलती है, जिसकी रचना किसकी रचना है, ये चंद्रबरदाई की रचना है। याद रखना, अग्निकुंड में जैसे कि ऋषि वशिष्ठ, मैंने आपको बताया था कि यज्ञ करवाया था, उसमें जो अग्निकुंड से चार वंशों की उत्पत्ति हुई थी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। और चौहान वंश की जानकारी मिलती है वो पृथ्वीराज जरासो में चंद्रबरदाई के द्वारा रचित पृथ्वीराज जरासो है उसमें मिलती है। फिर उसके बाद में देखिए हमीर रासो, ठीक है। देखिए हमीर रासो हो गया, हमीर महाकाव्य हो गया, हमीर हट हो गया, ये तीन हमीर है। हठी कौन था? चंद्रशेखर। हठी कौन था? चंद्रशेखर था हठी, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना, रासो में रा आया है तो इसमें सार रासो, सार रासो, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें महाकाव्य, फिर आ गया इसमें नयन, ठीक है, महा, फिर आ गया नयन, महाकाव्य नयन। इस तरह से आप क्या करना, अपने नोटबुक में इनको कोई भी एक शब्द जोड़ के ऐसे याद कर सकते हो। हमीर रासो चंद्रबरदाई की, हमीर रासो चंद्रबरदाई की, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर उसके बाद में आता है हमीर रासो सारंगधर की, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य की, और हमीर हठ, हठी कौन था? चंद्रशेखर। इस तरह से आपको शॉर्ट में क्या करना है, इनको याद कर लेना है। तो बिसल देव रासो नरपति नाल है, बिसल नर पति नाल है, ऐसे याद करना, बिसल नाल है, ऐसे इसको उठा। तो बिसल देव रासो है वो किसकी रचना है? नरपति नाल की रचना है। उसके बाद में पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जनक। तो याद पे आ गया विजय जया, विजय जया, इस तरह से जोड़ लेना। ललित विग्रहराज ये किसकी रचना है? सोमदेव की है। ललित विग्रहराज किसको कहा जाता है? बिसल देव को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ये दरबारी कवि थे सोमदेव, और इन्होंने ही क्या किया था, ललित विग्रहराज को लिखा था। इसी में इनकी क्या मिलती है, जो इनकी प्रेम कहानी है उसका वर्णन मिलता है। कानड़ देव प्रबंध, तो पै आ गया तो यहाँ पे पद्मनाथ, पै से पद्मनाथ, ऐसे याद कर लेना। कानड़ देव प्रबंध कौन है? पद्मनाथ है। हरिकेली नाटक किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था, ठीक है। हरिकेली नाटक किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ ने। और यहाँ पे अमीर खुसरो की एक रचना है, खजाइन उल फुतू है, खजाइन उल फुतू है, जिसको हम बोलेंगे तारिक अवार्ड। ये वाला भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए एक होता है बिजोलिया शिलालेख, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, इनको चौहानों को वत्स गोत्रीय बताया है, ठीक है, ये याद रखना है, बिजोलिया शिलालेख। उसके बाद में हर्षनाश प्रशस्ति, ये हर्षनाश प्रशस्ति किसकी लिखी होती है? यहाँ पे युवक की लिखी है ये वाली, हर्षनाश प्रशस्ति, ठीक है। अब इसके जो मत या फिर समर्थक हैं, हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, वो कौन है? अब देखिए, ये जो अग्निकुंड है, इस सिद्धांत के अनुसार इनकी क्या कहते हैं, पृथ्वीराज रासो है, मनोत नैनसी, सूर्यमल मिश्रण, इन तीनों ने कहा था कि राजपूतों की जो उदय, चौहानों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है, अग्निकुंड से हुई है। इसके समर्थक पृथ्वीराज जरासो, मनोत नैनसी, सूर्यमल मिश्रण। फिर इनको सूर्यवंशी बताया चौहानों को, तो यहाँ पे सूर्यवंशी बताने वाले कौन है? जी एच ओझा, यानी कि गौरी शंकर ओझा। याद रख लो कि गौरी शंकर ओझा ने इनको क्या बताया है, सूर्यवंशी, और पृथ्वीराज जरासो, मनोत नैनसी, सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने इनको क्या बताया है, अग्निकुंड से। उसके बाद में देखिए बिजोलिया जो शिलालेख है उसमें इनको क्या बताया गया है, ब्राह्मण वंशीय बताया गया है, चौहानों को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। और उसके समर्थक यानी कि हाँ में हाँ मिलाने वाले कौन है, गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा और कायम खा। ये जो है इनकी याद रखना है आपको नाम, कई बार इनको नाम देके इनको पूछ लेंगे इनको कि ब्राह्मण वंशी है वो, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इन तीन विद्वानों ने इनको क्या बताया है, ब्राह्मण वंशी बताया है। और
कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है कि चौहान है वो विदेश युग की संतान है, ये वाला भी काफी बार पूछा गया है कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार चौहानों को क्या बताया गया है, तो विदेश युग की संतान बताया गया है। याद रख लोगे ना, अग्निकुंड से मानने वाले कौन कौन है, पृथ्वीराज रासो, नैनसिंह मिश्रण, रासो नैनसिंह मिश्रण है वो इनको अग्निकुंड से बताया, ओझा साहब ने इनको सूर्यवंशी बताया है, और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, कायम खा, इन्होंने इनको ब्राह्मण वंशी बताया है, और कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या बताया है, विदेश युग की संतान बताया है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इस मत के समर्थक कौन कौन है यहाँ पर। चौहान वंश की प्रमुख शाखाएं, देखिए याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, चौहान वंश की शाखाएं सबसे पहले क्या आता है, साकंबरी, सांबर के चौहान, साकंबरी के चौहान, वहाँ के संस्थापक कौन है, वासुदेव चौहान, जो 551, ये डेट तो कई काफ़ी बार ना भी पूछा आपसे, बट याद रखना कि सांबर के चौहानों की जो वहाँ पर प्रमुख शाखा है उसकी स्थापित करने वाले कौन है, वासुदेव चौहान है, और इन्होंने राजधानी क्या बनाया था, अहिछत्तरपुर, ठीक है याद रख लोगे। उसके बाद में आता है नाडोल के चौहान, तो नाडोल लक्ष्मण, लक्ष्मण ने नाक काटी थी ना, तो इसलिए ना से क्या बन जाएगा लक्ष्मण, ऐसे आपको याद रख लेना है। तो नाडोल के चौहान है, उनकी स्थापना, उनके प्रवर्तक, उनके स्थापना करने वाले हैं लक्ष्मण। जालोर, जहाँ पे जबालीपुर उन्होंने राजधानी बनाया था, तो जालोर में चौहान वंश की स्थापना करने वाले कीर्तिपाल है, कीर्तिपाल याद रख लोगे। इसमें आपसे पूछेंगे कि जालोर में चौहान जो वंश है उनकी स्थापना करने वाले कौन है, कीर्तिपाल। उसके बाद में अजमेर में अजयराज चौहान, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। सिरोही में लुम्बा, सिरोही में चौहान वंश की स्थापना करने वाले कौन थे, लुम्बा थे। और रणथंभौर में गोविंदराज, कौन थे भाई, गोविंदराज। और बूंदी में देवा है हाड़ा चौहान, ठीक है ये याद रखना है, क्योंकि ये आपसे चौहानों के बारे में जो नाइस इन्फॉर्मेशन है आपको लेनी ही लेनी है, यानी कि सांबर है, साकंबरी, सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र है उसको साकंबरी बिचली, क्योंकि साकंबरी देवी की वहाँ पर मंदिर है, और वहाँ पे चौहानों की नींव रखने वाले हैं वासुदेव चौहान, और राजधानी इन्होंने बनाया था अहिछत्तरपुर। नाडोल के चौहानों की स्थापना करने वाले हैं, नाडोल में चौहान वंश की स्थापना रखने वाले लक्ष्मण। जालोर में चौहान वंश की स्थापना करने वाले कीर्तिपाल, जिन्होंने राजधानी जबालीपुर बनाया था। अजमेर में अजयराज आते हैं, सिरोही में लुम्बा, और रणथंभौर में गोविंदराज, और यहाँ पे बूंदी में देवा हाड़ा चौहान है। ये संस्था आपको याद रखनी है। देखिए अब इनके महत्वपूर्ण शासक आते हैं, इसमें आपको एक चीज़ तो देखिए, ये इनका क्रम याद रखना है, पहले कौन होते हैं, अजयराज, फिर होते हैं अर्णोराज, फिर होते हैं विग्रहराज, फिर होते हैं पृथ्वीराज चौहान, ये इनका क्रम है। अजमेर में चौहान वंश के दो शासक रहे हैं, उनका क्रम इस तरह से, यानी कि दो तो ए और ए वाले हैं, फिर दो कौन से, वी और वी वाले हैं, ए से क्या हो गया अजयराज अर्णोराज, फिर वी से विग्रहराज पृथ्वीराज, ऐसे आपको कर्म याद रखना है कि दो ए और दो वी, याद रख लो कि ये वाला कर्म। फिर उसके बाद में क्या आता है, पहला अजयराज आता है, अजयराज का इनका शासनकाल 1105 से 1133, सबसे पहले इन्होंने ही 1113 में अजमेर, जो अजमेरू भी कहा जाता था, उसकी स्थापना की थी, कब, 1113 में, एक दो तीन इस तरह से कर लेना, एक दो तीन, ठीक है ये हो गया 1113, ऐसे आपको याद रख लेना है। अजमेर में अजमेरू यानी अजमेर की स्थापना किसने की थी, अजयराज ने की थी 1113 में। इनके बारे में बस यही पर्याप्त है, आपको ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी थी इनकी सोम देवी, जिनके नाम पर इन्होंने सोने व चांदी के सिक्के चलाए थे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सोने व चांदी के सिक्के चलाने वाले शासक कौन थे, अजयराज, और इन्होंने किस पे चलाए थे, किसके नाम पे चलाए थे, उनकी जो पत्नी थी सोमल देवी, ठीक है। और यहाँ पे गढ़ बेटली, तारागढ़ का दुर्ग है वो भी इनके द्वारा कराया गया है, गढ़ बेटली तारागढ़ का दुर्ग जो अजमेर में है उसका दूसरा नाम गढ़ बेटली दुर्ग है, वो भी इन्होंने कराया। तो इनके बारे में ये जो तीन इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ आपको याद रखनी है। अब आते हैं अर्णोराज, अर्णोराज का शासनकाल क्या था, 1133 से, और फिर आता है 1155, 1133 से 55। आप ऐसे याद रखना, इस जो अर्णो है ना उनको नए मान लेना आप, ठीक है ना, नए मान लोगे तो क्या जाएगा, अन्ना, ये अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने, अन्ना नए ऐसे याद रखना। तो एक तो इन्होंने क्या करवाया था, अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था किसने, अर्णोराज ने। एक वराह मंदिर, यानी कि पुष्कर के अंदर जो वराह मंदिर है पुष्कर में, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने करवाया था, अर्णोराज ने करवाया था। और चौहानों की पितरंता कौन है, जगदेव,
चौहानों की पितृहंता कौन है? जगदेव, वो इनके बेटे थे। याद रख लोगे चौहानों की पितृहंता कौन थे? यहाँ पे जगदेव थे, और ये जगदेव जो है वो इनके क्या थे? ये अर्णोराज के बेटे थे जगदेव। तो ये तीन मोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। अन्नासागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। पुष्कर में स्थित वराह मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। और चौहानों का जो पितृहंता जगदेव है, ठीक है, ये इनके बेटे थे। ये दो तीन चीज़ें आप इसके अंदर याद रखना है। फिर उसके बाद में आते हैं विग्रहराज चतुर्थ, जिनको बिसलदेव चौहान भी कहा जाता है। बिसलदेव चौहान को ही विग्रहराज चतुर्थ, दोनों ही कन्फ्यूज नहीं होना है, विग्रहराज चतुर्थ या फिर बिसलदेव चौहान, दोनों आपको सेम माने हैं। देखिए चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है, इनके काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रख लोगे चौहानों का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ के काल को, जो बिसलदेव चौहान भी कहा जाता है, चौहानों का स्वर्ण काल। दूसरा, दिल्ली के तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। प्रथम चौहान शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ, जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था। और बिसलपुर बांध जो टोक है उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी, विग्रहराज चतुर्थ ने ही। बिसलपुर बांध जो टोक में है, ठीक है, इसकी स्थापना भी किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। और इनको जो उपाधि कवि बांधव की उपाधि दी थी जैनक भट्ट ने, ये इनकी उपाधि है। कई बार आता है कि कवि बांधव की उपाधि किसकी है, तो विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि है, जैनक भट्ट ने इनको दी थी। याद हो जाएगा कवि बांधव कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ या फिर बिसलदेव चौहान। और ये जो हरिकेल नाटक भी लिखा गया था इनके द्वारा, हरिकेली नाटक, ललित विग्रहराज और बिसलदेव रासो। ललित विग्रहराज किसके द्वारा लिखी गई? सोमदेव के द्वारा। और बिसलदेव रासो है वो नरपति नालह के द्वारा लिखी गई, जो इसके क्या थे? ये दरबारी कवि थे, ठीक है, ये दरबारी कवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज और बिसलदेव रासो, ये दो तीन चीज़ें इन्होंने, एक इन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, ठीक है। बाद में जो एबक ने बाद में इसको क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था, तो ए ढाई दिन का झोपड़ा ये इस नाम से फेमस हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है आपको। संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पे विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, जो बाद में ए ढाई दिन झोपड़े का निर्माण इसको ध्वस्त करके और क्या कर दिया गया? ए ढाई दिन का झोपड़ा बना दिया गया था एबक के द्वारा, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें इसके बारे में आपको याद रखनी है। अगला आते हैं पृथ्वीराज चौहान, इनका शासनकाल चलता है 1177 से 1192। याद रखना, देखिए पृथ्वीराज चौहान महज 11 वर्ष की उम्र में ही ये क्या बन गए थे? राजा बन गए थे। और इनकी संरक्षिका जो थी, इनकी माँ कर्पूरी देवी, कौन थी? कर्पूरी देवी इनकी संरक्षिका थी, और उन्हीं की देखरेख में ये शासन किया करते थे। इनके पिता कौन थे? सोमेश्वर, याद रखोगे। फिर अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक था, अंतिम प्रतापी शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? चौहान था। ये महज 11 वर्ष की उम्र में क्या बन गए थे? राजा बन गए थे। और इनकी जो संरक्षिका थी, इनकी माता कर्पूरी देवी, उनकी देखरेख में ये कामकाज किया करते थे। इनके पिता कौन थे? सोमेश्वर, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए इनकी उपाधि क्या थी? दल पुंगल की या राय पिथौरा की, ये उपाधि थी। कई बार पूछ लेते हैं कि दल पुंगल और राय पिथौरा किसकी उपाधि है, या फिर पृथ्वीराज चौहान की अन्य उपाधियां हैं वो क्या क्या हैं, आपसे पूछ सकते हैं कैसे भी। तो आपको ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम कोई भी हो क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान के अभियान, देखिए इन्होंने कैसे कैसे युद्ध किया, कहाँ कहाँ पे किया, और कैसे कैसे इनके जो अभियान रहे, इनके कंपेन रहे, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नागार्जुन व भंडारकों का दमन, ये कौन थे? नागार्जुन और भंडारक, ये इनके चाचा भाई थे, है ना। तो सबसे पहले कहते हैं ना कि घर से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पे इनका दमन किया, अजमेर से दिल्ली तक का राज्य विस्तार किया। पिथौरा, यहाँ पे क्या होता है? पिथौरागढ़ किला दिल्ली, ये भी इनको क्या किया था? इनकी अभियान की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पे इन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो इनका दमन किया था और अजमेर से दिल्ली तक राज्य का विस्तार किया था, और यहाँ पे अपना अधिकार जमाया था। पिथौरागढ़ किला है दिल्ली, वहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या आता है इसमें? महोबा के चंदेल शासकों पर विजय, महोबा के जो चंदेल शासक हैं, याद रखना, महोबा के साथ में जो चंदेल शासक, उनके साथ में जब युद्ध हुआ था, तब कब हुआ था? 1182 में। आपसे बहुत बार सन पूछ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंदेल के शासक उस समय, जो महोबा के चंदेल शासक थे, उन पर जब विजय प्राप्त की थी, तो चंदेल के शासक कौन थे? परमार्थ देव, इनको हराया था, ठीक है ना। तो मूल का युद्ध, ठीक है, ये वाला इनको हराया था। और इनके चंदेल सेनापति आला व उद्दल,
इनके बारे में बहुत बार प्रशंसा होती है इनकी, क्योंकि क्योंकि वीर पुरुष थे और ये मारे गए थे आला और उदल, ठीक है, आज भी इनको पहचानते हैं। तो आपसे पूछेंगे ये चंदेल सेनापति थे आला और उदल, वो किसके वो थे, दरबारी कवि थे, दरबारी शासक थे, वो किसके शासक थे वो, ठीक है ना, कौन से शासक के, तो यहाँ पर परमार्दी देव के, ठीक है, ये चंदेल सेनापति थे और आला व उदल ये मारे गए थे उस युद्ध के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है नागौर का युद्ध, ठीक है, कौन सा युद्ध आता है भाई, नागौर का युद्ध आता है। फिर आता है नागौर का युद्ध, नागौर का युद्ध होता है 1184 में, इसका कोई रिजल्ट नहीं आया था। पृथ्वीराज तृतीय वर्सेज चालुक्य नरेश भीमदेव, इन दोनों के बीच में ये हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय और भीम चालुक्य नरेश भीमदेव, किसके कारण हुआ था, इच्छनी के, इनका मुख्य जो रीजन था वो क्या था, इच्छनी, ये एक क्या थी, सुंदर राजकुमारी थी, इन दोनों को विवाह को लेकर यहाँ पे इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बाय द वे आपको पूछे कि नागौर का युद्ध है 1184 में, वो किसके किस किस के बीच में हुआ, तो ऐसे अगर आपसे पूछे तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये भी आपको रखनी है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका क्या आता है, तो इसमें जो चौहान और गढ़वाल के बीच में जब संघर्ष होता है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान और यहाँ पे गढ़वाल के बीच में जो संघर्ष, यानी कि कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल, उनकी पुत्री थी संयोगीता, आपको इनकी प्रेम कहानी का तो पता ही होगा, ये इनके सामने ही जयचंद गढ़वाल के सामने ही इसको यहाँ से क्या ले गए थे, उठा ले गए थे इनको, और एक बाप के सामने एक बेटी को उठा ले जाता है तो पता ही आपको क्या बनता है, ठीक है। फिर ये जयचंद गढ़वाल ये बहुत शक्तिशाली थे, ये जो है ना चौहान थे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, ये जयचंद गढ़वाल क्या जाता है, फिर गोरी के पास जाता है, मोहम्मद गोरी के पास में जाता है, तो फिर वहाँ से क्या होते हैं, युद्ध शुरू होते हैं। त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, उसमें पृथ्वीराज को विजय मिली थी, ठीक है। फिर होता है त्राइन का दूसरा युद्ध होता है, दूसरा युद्ध 1192 में होता है, इसमें गोरी की विजय होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में ही भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होती है, ठीक है, और जो हमारा पृथ्वीराज था वो अंतिम वीर साहसी हिंदू सम्राट था। ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने डाल रखी हैं ये क्या है, ये सिर्फ आपको जानना है, ऐसा इसमें बोला गया है, हमीर महाकाव्य में बोला गया है कि पृथ्वीराज चौहान और आपका जो मोहम्मद जो गोरी है उनके साथ में 7 युद्ध किए थे, जिनमें 7 में पृथ्वीराज चौहान को विजय मिली थी। पृथ्वीराज रासो में 21 युद्ध बताए हैं जिसमें मोहम्मद गोरी को हराया था, और ये जो पृथ्वीराज प्रबंध है उसमें 8 और प्रबंध चिंतामणि उसमें 23 युद्ध किए थे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को इन सब में विजय मिली थी। ये सिर्फ एक आपको जानकारी के लिए है, ऐसा पूछते नहीं है। तो क्या हुआ, ये होने के बाद में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा वो शक्तिशाली शासक था पृथ्वीराज। तो यहाँ पे मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई थी और यहाँ पृथ्वीराज जो था वो अंतिम हिंदू सम्राट बना था। पृथ्वीराज की मृत्यु से संबंधित कुछ मत हैं, देखिए पृथ्वीराज रासो में क्या बताया गया था, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया और वहाँ शायद वहाँ शब्द भेदी बाण से पृथ्वीराज ने गोरी को मार डाला, यानी कि वो शब्द भेदी बाण, कहने का मतलब वो ऐसे ही शब्द बोल देते थे। उनकी एक जो कविता है जैसे कि 4 बाँस 24 गज अंगुल अस्त प्रणाम ता ऊपर सुल्तान मत चूको चौहान, तो इस तरह से वो मतलब ऐसे शब्द बोलते तो अगले को चुभ जाती, तो ऐसा कहते हैं कि उसने शब्द बोले तो पृथ्वीराज ने गोरी को मार डाला और वहीं पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। ये किसने, पृथ्वीराज रासो के अनुसार मिनहाज सिराज, उनके अनुसार क्या कहा कि गोरी ने त्राइन में ही पृथ्वीराज को मार दिया था, भाई ये चीज़ें भी बताई जा रही है। तो इनका अलग अलग मत जो है इनकी मृत्यु के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। फिर क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान के जो पुत्र हैं कौन, गोविंद राज, इन्होंने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। पृथ्वीराज चौहान ने, चौहान के जो पुत्र थे गोविंद राज, इन्होंने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। तो याद रखना कि गोविंद राज कौन थे, पृथ्वीराज चौहान के थे, और यहाँ पे अजमेर के चौहान वंश में जब सबसे शक्तिशाली जो राजा थे वो पृथ्वीराज चौहान वो और अंतिम शासक थे। ये भी याद रखना, कई बार पूछेंगे कि आज अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन हुआ है, पृथ्वीराज चौहान हुआ है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने पृथ्वीराज चौहान अजमेर के चौहान वंश के बारे में काफ़ी सारी जानकारी आपको दी है। आई होप इनसे बाहर कुछ भी नहीं आए, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, हमारे इस तरह से वंश चलते रहेंगे। इनके जो क्वेश्चन है वो अलग से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।